देखते हैं कि आज वहाँ पर भी सुंदर, आज वहाँ पर भी सुंदर, आज वहाँ पर भी सुंदर, और श्रृंगार का वो चेहरा होता है रजनी अपनी। तो मैं चाहता हूँ कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस ये सब वीडियो आप तक पहुँची, आप सब इन वीडियोज को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालेंगे सब। तो जितने उत्साह से आप चाहते हैं कि आपकी कविता पर ताली बजे, उतने ही उत्साह के साथ आपको अन्य सब कवियों की कविताओं पर ताली बजानी चाहिए, ताकि ये वीडियो बहुत जब भी हम किसी को भेजें तो एक बार भी सिलेक्ट हो जाए। सारे मिलकर जोरदार ताली। माँ शारदा को नमन करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत कुछ सुनाने का मन है, लेकिन इस माहौल को देखते हुए अगर मैं सबसे पहले यदि कुछ पंक्तियों से शुरुआत करूँ तो वो पंक्तियाँ मैं आदरणीय हमारे पिता तुल्य आदरणीय जगदीश मित्तल जी के चरणों में पंक्तियाँ रखती हूँ। और वो पंक्तियाँ क्या होती हैं, जीवन में जब भी हम निकलते हैं तो किसी बड़े का स्नेह आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। हम कहीं भटक जाते हैं राह से, तो हमें किसी बड़े का जब सपोर्ट मिलता है, सहारा मिलता है, वो वाकई में हमारी मंजिल तक पहुंचाने में बहुत लाभ देता है। तो मुझे बस इसी तरह से बाबू जी का हमेशा से ही सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है। तो मेरे जो चार पंक्तियां होती हैं वो आदरणीय आपके जो रख दे हाथ सर पर तो ये जीवन खास होता है, जो रख दे हाथ सर पर तो ये जीवन खास होता है, पकड़ ले हाथ की उंगली तो एक विश्वास होता है। नहीं हो घर में धन दौलत मगर फिर भी अमीरी है, नहीं हो घर में धन दौलत मगर फिर भी अमीरी है, कि जिस घर में बुजुर्गों का सदा ही वास होता है, सदा ही वास होता है। तो ऐसे हमारे आदरणीय इन्होंने न जाने कितने कवियों को एक मुकाम दिया और अभी भी निरंतर वो श्रृंखला चली जा रही है। तो मैं आपका बहुत हृदय से सम्मान करती हूँ और आइए बस छोटी छोटी पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ, चार चार पंक्तियों के साथ आपसे जोड़ती हूँ। आपने जैसे रसिक जी कहा कि हिंदी पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम हो रहा है, तो मुझे लगता है कि माँ भारती के सम्मान में भी यदि कुछ पंक्तियाँ पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा रहे। जी, स्वागत है। स्वागत। माटी के संस्कारों का बलिदान है हिंदी, माटी के संस्कारों का बलिदान है हिंदी, प्रभु कृष्ण और राम का जयगान है हिंदी, प्रभु कृष्ण और राम का जयगान है हिंदी। इसमें कबीर तुलसी मेरा सूर बसे है, इसमें कबीर तुलसी मेरा सूर बसे है, वेदों का पुराणों का यशो गान है। प्रियतम के लिए प्रेम का दीदार है हिंदी, प्रियतम के लिए प्रेम का दीदार है हिंदी, वीरों के लिए जोश है अंगार है हिंदी, वीरों के लिए जोश है अंगार है हिंदी, मन में उठे भावों को है आकार देती जो, मन में उठे भावों को है आकार देती जो, कवियों की कविता का अलंकार है, कवियों की कविता का अलंकार है हिंदी। और हिंदी क्या है, सीमा पे खड़ा जो निडर जवान है हिंदी, सीमा पे खड़ा जो निडर जवान है हिंदी, खेतों में हल चलाता एक किसान है हिंदी, क्या बात है, वाह वाह, खेतों में हल चलाता एक किसान है हिंदी। हम हिंद है हमको सदा हिंदी पे गर्व है, हम हिंद है हमको सदा हिंदी पे गर्व है, माँ भारती का तेज स्वाभिमान है, भारती का तेज स्वाभिमान है हिंदी,
पढ़ो आप पढ़ो, मुश्किल जैसा कि रसिक गुप्ता जी ने कहा कि मैं श्रृंगार की पंक्तियां पढ़ती हूँ, तो ये केवल कुछ पंक्तियां मैंने रखी थी। एक श्रृंगार का एक छोटा सा गीत जो मैंने नया लिखा है वो मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ। ये बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ उसके कुछ बंद आप सभी के बीच रखूंगा। जी सिर्फ दो बंद, आप मैं एक बंद कर देती हूँ जी। प्रेम के दो रूप होते हैं, एक संयोग एक वियोग। जब जुड़ाव होता है तो शुरू में बहुत आनंद आता है लेकिन वियोग की स्थिति बहुत पीड़ा देती है। लेकिन वो वियोग आता क्यों है, किस कारण से आता है? कुछ समय बाद लगता है कि ये जो मिलन था या ये जो मेरा जीवन साथी होने वाला था वो मेरे लायक क्यों नहीं है। कुछ मनमुटाव आ जाते हैं और उस मनमुटाव में वो गीत निकल के आता है। वो गीत क्या है? तुझको अपना, तुझको अपना, तुझको अपना जीवन साथी चुन लेते, तुझको अपना जीवन साथी चुन लेते, पर भवरे के जैसी तेरी आदत थी, पर भवरे के जैसी तेरी आदत थी, तुझको अपना, हाँ तुझको अपना, तुझको अपना जीवन साथी चुन लेते, पर भवरे के जैसी तेरी आदत थी। एक अनबन पर, हाँ एक अनबन पर, एक अनबन पर नफरत करने वाले सुन, एक अनबन पर नफरत करने वाले सुन, अरे तू क्या जाने कितनी तुझसे चाहत थी, हाँ तू क्या जाने कितनी तुझसे चाहत थी। और ये वियोग क्यों होता है? कि मैं गंगा से बात करूं तेरी बात बात में छल है, मैं गंगा से बात करूं तेरी बात बात में छल है, तू है एक दिखावा मुझको भाता सदा सरल है, तू है एक दिखावा मुझको भाता सदा सरल है। कल्पनाओं का नशा करे तू सपन लोक का वासी, कल्पनाओं का नशा करे तू सपन लोक का वासी, मैं यथार्थ में जी कर अपने मंजिल की अभिलाषी, जीवन साथी चुन लेते, पर खबर के जैसी तेरी आदत। बहुत शानदार, एक बार पुनः जोरदार तालियों से देखिए। अपनी गोष्ठी 11 बजे शुरू होनी थी और 12:30 बजे शुरू हुई है, आप भी तय करो खत्म कितने बजे करनी है और उसी के अनुसार सबको अपना अपना समय और समान रूप से सबको समय दिया जाए। ये नहीं जो अंत में आए उनके लिए कहने की नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा होता सब अपना एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि रचना जो है ना, ऐसा होता है शुरू में जो बोलते हैं वो लंबा समय, कई बार कई बार की हिंदी वाले नहीं सुनना चाहिए। हम जाना जी।